ओम नमो नारायण। मैं अरुणाबेन पी गोस्वामी सूरत से आपका स्वागत करती हूँ अरुष किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी बनाने के लिए ये हमने पनीर लिया है 400 ग्राम और दो हमने ये शिमला मिर्च ली है उसको ऐसे काट लिया है और दो हमने टमाटर लिए उसको भी हमने इस तरह से काट लिया है। तीन हमने प्याज लिए उसको भी हमने ऐसे काट लिया है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है और ये हमने लहसुन लिया है उसको ऐसे क्रश कर लिया है और ये अदरक लिया है इसको भी हमने ऐसे क्रश कर लिया है। ये हमने हरी मिर्च ली है उसको ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है दो चम्मच और दो चम्मच हमने धनिया जीरा पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने जीरा लिया है। नमक चाहिए हमें स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच हमने हल्दी लिया है और तेल चाहिए हमें। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। तो ये एक कढ़ाई ली है हमने, गैस चालू करेंगे हम और इसमें हम तेल डालेंगे। ऐसे डेढ़ बड़े चम्मच हमने तेल डाला है इसमें, इसको हम गर्म होने देंगे। तेल अपना गर्म हो गया है तो इसमें हम पहले जीरा डालेंगे और ये हम लाल मिर्च डाल देंगे। ये हमने हरी मिर्च इसमें डाल दिया है, गलती से लाल मिर्च आ गया। तो ये तेल में मिर्च डालने से क्या है कि पूरा टेस्ट आ जाता है इसमें, तो सब सब्जी में इसका टेस्ट बढ़िया आता है। ऐसे हरी मिर्च हम डालते हैं ना तेल में। तो अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे और ये अदरक भी डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को खाली थोड़ी देर ही इसमें घुमाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है इसमें। अब इसमें हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको अब हम थोड़ी देर पकाएंगे, एक दो मिनट के लिए, बीच में हिलाते रहेंगे। और जब तक ये पकता है तब तक हम ये पनीर है उसको हम ऐसे हाथ से इसको हमें ऐसे करना है, ऐसे। सब पनीर को हम ऐसे कर लेंगे हाथ से। इसमें सब्जी क्या है, ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम जैसे एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, खाली पकना चाहिए बस। और पनीर घर पे कैसे बनाते हैं उसका वीडियो आपको अपने चैनल में मिल जाएगा, घर का पनीर। ये कैप्सिकम अपने थोड़े से नरम हो गए, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो हल्दी डाल देंगे हम और धनिया जीरा डाल देंगे और नमक डाल देंगे और ये लाल मिर्च डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। मसाला डाल के हमें इसे थोड़ी देर मिक्स करना है तेल में।
तो इसका बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स करेंगे इसको। अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। ये टमाटर है अपने, वो थोड़े से गल जाने चाहिए, तब तक इसको पकाएंगे, बीच में हिलाते रहेंगे। ये टमाटर भी अपने गल गए हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इसका हमने छिलका निकाल के काटा था। जो मेरे घर में मेरा लड़का है वो छिलके वाला टमाटर नहीं खाता, तो मुझे सब चीज़ में टमाटर का छिलका निकाल के ही बनाना पड़ता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन मैं छिलका निकाल के बनाती हूँ। तो अब इसमें हमने जो ये पनीर तैयार किया था वो डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे। गैस हम बंद कर देंगे और इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देते ना, बढ़िया सी खुशबू आती है इसकी। तैयार है अपनी पनीर भुर्जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट करके कहना कि आपको कैसी लगी है पनीर भुर्जी।